स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। अब हमको किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो जैसे कोई क्वेश्चन होगा 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे 1/2 को ऊपर भी नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से और ये भी 2 से। 1 2 2 2 2 4, तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया इसका। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 3 2 6, तो ये दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया इसका। सो आंसर है 2/4 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इस तरीके से किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं 2/6 के। ओके, तो सबसे पहले तो 2/6 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, 2 2 4, 6 2 12, तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इसका। फिर 2/6 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों, 3 2 6 6 3 18, ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/6 का। सो 4/12 एंड 6/18 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/6। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है रिड्यूस इन लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना क्या होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन है 6/12, ओके, तो 6/12 फ्रैक्शन है तो ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है। इसका ये मतलब है कि 6 और 12 दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 6 2 से डिवाइड होता है, 12 भी 2 से डिवाइड होता है, और 6 भी 3 से भी डिवाइड होता है, 12 भी 3 से डिवाइड होता है। सो लोएस्ट फॉर्म वो होता है कि जब ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे ऐसे नंबर्स आए जो दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 1/2 है, तो 1 और 2 किसी सेम नंबर से डिवाइडेड नहीं है 1 के अलावा, सो वो लोएस्ट फॉर्म में है। अगर हमको 6 और 12 को लोएस्ट फॉर्म में लाना है तो हम 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, सो 2, 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, ओके। सो अब भी देख रहे हैं कि 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 1 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2, सो क्या आया 1/2। सो ये अब लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि 1 और 2 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं 1 के अलावा, सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 12/20, अभी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों 2 से डिवाइड होता है, तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 होता है तो ये 6 हो गया, और 2 10 20 होता है। अब ऊपर नीचे फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से, सो 2 3 6 2 5 10,
तो आया 3/5। अब 3 और 5 दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम इसका लोएस्ट फॉर्म। सो 12/20 का लोएस्ट फॉर्म 3/5 है। सो स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको लेट्स ट्राई वन में अभी करने हैं। सो इस वीडियो के नीचे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और साथ में उसको आप उसके साथ में आपको सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे उसके नीचे, तो आप वो क्वेश्चंस ट्राई करो और फिर अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्यूशंस देख के कॉपी में लिखो।